Now let's see exercise 5.1 factors and multiple. Factors and multiple. Factors क्या होते हैं? ऐसा नंबर यहाँ पे देखिए factor and multiple पेज नंबर 65 पे तो दिखाई दिया 65 factors and multiples. ठीक है means factor of a given number are the numbers which divide the given number without leaving any remainder. Factor वह number होता है जो दिए हुए number को divide कर दे, exactly divide कर दे, कोई भी remainder ना बचे. जैसे कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमने लिखा 15, ठीक है, तो 15 का factor 3 है. पहले देखिए 15 का factor 1 है, 15 का फैक्टर 1 है क्योंकि 1 से नंबर डिवाइड होगा. 15 को 2 डिवाइड करेगा? नहीं. 3 डिवाइड करेगा? हाँ. 3 इसका फैक्टर है, 3 5 जा 15, 5 इसका फैक्टर है और ये नंबर खुद अपने आप का फैक्टर है. तो इसकी प्रॉपर्टी में नोट करिएगा, मीन्स याद रखिए आप लोग कि जो 1 होता है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है. 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर होता है और कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होता है, यानी किसी नंबर को उसी से हम डिवाइड कर सकते हैं और 1 से भी हम किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, पहला है, यहाँ पे हम बुक में ही फिल करवा रहे हैं, लिखा 31 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे 30 फिल कर दें. ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अब 1 तो इसका फैक्टर है, 30 भी फैक्टर हुआ. अब 30 का फैक्टर और क्या है, 2 से डिवाइड होगा ना, डिवाइड करेंगे 15 आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 15. अब यहाँ पे लिखा गया है 10, अगर 10 से इसको डिवाइड करें क्या आएगा 3, यहाँ पे आप फिल करेंगे 3. अब यहाँ पे देखिए लिखा है 5 से इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा 8 6. तो फैक्टर्स ऑफ 30 आर, 30 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 5 6 10 15 और 30, इतना क्या हो जाएगा इसका फैक्टर. ठीक है ना, दिखाई दिया. तो फैक्टर समझ में आया, इसमें 4 ही क्वेश्चन हैं, आपको फिल ही करने हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना. एक बार फिर से समझिए, फैक्टर्स वह नंबर जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, कोई भी रिमाइंडर ना बचे. जैसे यहाँ देखिए, अगर हम 7 से 14 को डिवाइड करें तो आएगा 2, तो ये 14 एग्जैक्टली डिवाइड हुआ ना, तो क्या है 14 का फैक्टर क्या है, 2 है, 7 है. हमने बताया था 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है और कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होता है, तो इसके कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4, इसके टोटल 4 फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो 1 से भी 14 डिवाइड होगा, 2 से भी, 7 से भी और 14 से भी. तो मीन्स जो नंबर किसी को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे वो नंबर उसका फैक्टर होता है. बात आई समझ में? ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 66 पे, पेज नंबर 66 पे है 5.1, दिख रहा है ना. तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसको होमवर्क नोट करिए, कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1. आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं. विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद.